हो गया, हमको पकड़ लिया। उससे कोई पत्थर वत्थर लगा है जिसके कारण इनका टूटा हुआ है, पर उस घटना में भी इनके द्वारा उनके ऊपर फायर किया। साथ ही साथ एक और एक घटना का खुलासा, ये घटना शमशेर अंसारी कंधवा थाना क्षेत्र में ग्राम सुगना से रामपुर के रास्ते में शमशेर अंसारी की गोली मारकर हत्या की गई थी। शमशेर अंसारी बेसिकली एक तांत्रिक सा झाड़फूक का काम वगैरह करता था। दो अज्ञात घटनाओं का भी खुलासा इन तीन लोगों के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ हुआ है और पूरा काम इसमें लंका थाना क्षेत्र और लंका थाने की टीम के द्वारा किया गया है। तीन अभियुक्तों को आज गिरफ्तार कर लिया। हिंदू पीजी कॉलेज के प्राचार्य देवेंद्र सिंह, इनको फ़ोन पे कुछ लोगों के द्वारा धमकी दी गई थी और उनसे 24 लाख रुपए की मांग भी की गई थी। इस संबंध में लंका थाने पे FIR पंजीकृत हुआ था और इस घटना के खुलासे के लिए लंका थाना अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम के द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए। इन प्रयासों के फलस्वरूप तीन अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके नाम राहुल दिलीप सिंह उर्फ टिंकू सिंह है, एक कृष्णानंद सिंह है और तीसरा अभियुक्त जो है उसका नाम है दीपक कुमार उर्फ विशाल सिंह। तीनों अभियुक्तों से पूछताछ में कई घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसमें यह भी बात संज्ञान में आई कि इनके द्वारा 25 अप्रैल 2019 को प्रिंसिपल देवेंद्र सिंह के गाड़ी के ऊपर फायर किया गया और जिसमें वो वहाँ पर उस चीज़ को समझ नहीं पाए क्योंकि वो गर्मी के दिन थे और वो इस गलतफहमी में रहे कि पत्थर वगैरह लग गया है, पर इनके द्वारा तीन उनके गाड़ी के ऊपर फायर किए गए थे। साथ ही साथ इनके द्वारा चंदौली जनपद में भी एक हत्या की घटना कारित किया जाने का बात प्रकाश में आई है। वहाँ पे एक शमशेर सिंह नाम के तांत्रिक की हत्या इनके द्वारा की गई है। ये घटना 13 मई को हुई थी। इसके बारे में इनके द्वारा बताया गया कि दिलीप सिंह का एक प्रेमिका थी, उस प्रेमिका के घर पर तांत्रिक शमशेर सिंह का भी आना जाना था और उसी बात को लेकर इन दोनों में आपसी रंजिश और विवाद चल रहा था और इसी के कारण शमशेर सिंह की भी हत्या इन लोगों के द्वारा की गई। तो इस तरह से तीन घटनाओं का खुलासा इस पूरे प्रकरण की जांच में हुआ है और एक बड़ी उपलब्धि लंका पुलिस को इसमें हुई है। ये बात संज्ञान में आई कि 2017 और 18 में इन लोगों ने छात्र संघ का जो चुनाव लड़ा था इसमें कुछ FIR इनके ऊपर पंजीकृत हुए थे और उसी FIR को वापस लेने के लिए इनके द्वारा ये धमकी देने की बात भी प्रकाश में आई है। पकड़े गए टीम सर कोई इनाम जो जिस टीम ने ये गुड वर्क किया है उसको 25,000 रुपये का इनाम जो है मेरे द्वारा दिया जाएगा।